हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो जो लोग इंटर का परीक्षा दिए थे और उनका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा फल घोषित कर दिया था, उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उनका ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दिया है। मतलब वो BSc BA BCom में अब एडमिशन ले सकते हैं। पूरा आपको नोटिफिकेशन, पूरा ताज़ा खबर आपको वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ताज़ा खबर बिहार बोर्ड से जुड़ी आपको बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, समय पर रिजल्ट आने से आवेदन की बढ़ेगी तिथि, आवेदन की बढ़ेगी संख्या, समय पर रिजल्ट आया। आपको पता है कि इस बार बिहार बोर्ड ने जल्दी रिजल्ट देकर इतिहास रच दिया है और पास परसेंटेज भी अच्छा है, तो इस बार आवेदन बढ़ेगा ही BA BSc BCom में। ये तो डेफिनेटली बढ़ना ही स्वाभाविक है क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है और जल्दी आया हुआ है। तो बहुत बड़ी आपको अपडेट बता रहे हैं, PU यानी कि बिहार के पटना यूनिवर्सिटी, बिहार के सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में आपका BA BSc BCom के लिए फॉर्म निकल गया है। उसमें आप लोग भर सकते हैं, जो भी इच्छुक हैं, जो भी अच्छा हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आगे चल के सरकारी नौकरी करने के लिए ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बिहार बोर्ड के लिए खबर निकल के आ रही है कि उनके लिए ग्रेजुएशन में नामांकन का तिथि घोषित हो गया है और पटना यूनिवर्सिटी ने इसकी शुरुआत कर दी है। आप देख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय में, यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जबकि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय सहित राज्य के तमाम विश्वविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ की जाएगी। मतलब पटना यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया है, इसके अलावा जो भी बिहार में सब जिला में यूनिवर्सिटी है उसमें भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से निकल के आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसकी जानकारी छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालय अपने वेबसाइट के माध्यम से देगा। पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालय में कॉलेज में नामांकन इंटरमीडिएट में प्राप्त अंक के आधार पर होगा। मतलब जितना आपका 12th में मार्क्स आया है उसके आधार पर आपका और सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। लेकिन अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। पूरा डिटेल्स आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। आप देख सकते हैं आपको www.patnayuniversity.ac.in पे जाना होगा और यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का 300 रुपया लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला बार 30,000 आवेदन आया था लेकिन इस बार रिजल्ट जल्दी आ गया है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मेरा अच्छा मार्क्स आया है तो मैं पटना यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लूँ, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का बहुत मेन बेनिफिट यही होता है कि अभी बिहार में बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिनका सेशन लेट चल रहा है, रिजल्ट नहीं देते हैं लोग, एग्जाम टाइम पर नहीं कराता है लोग, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में जो भी अगर अच्छे बच्चे हैं, अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, उनके लिए पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना एक सपना होता है और वो हर साल एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपका इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो लेट आता है और इस बार पहले आ गया है, तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि पटना यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूं। छात्र पहले PU की वेबसाइट पर जाकर विंडो खोलेंगे, वहां उन्हें सबसे पहले PU में एंट्रेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर वे जिन जिन कॉलेजों में नामांकन के इच्छुक हैं उन कॉलेजों का ऑप्शन चुन सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 300 रुपये और फिर हर कॉलेज में आवेदन के लिए 300 रुपये जुड़ते जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 15 मई तक होगा। कब तक होगा? 15 मई तक आपके पास टाइम है आवेदन करने का। इसके बाद आप देख सकते हैं वही जो फॉर्म भरा जाता है कि फॉर्म में स्कैन फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, तो ये सब तो कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन है आपका कि 28 मई को BA जो 8 से भरेंगे उनका 28 मई को एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। 29 मई को BSc का और 30 मई को आपका BCom के लिए एग्जाम, नहीं सॉरी, 28 मई को आपका BA का, 29 मई को BSc और 30 मई को एंट्रेंस टेस्ट होगा BCom के लिए। तो बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जो भी लोग इंटर का एग्जाम दे के बैठे हुए थे और एडमिशन का इंतजार कर रहे थे और पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सबका सपना होता है और आपका इस बार बिहार बोर्ड रिजल्ट जल्दी दे दिया, तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक करें, वहां से BA BSc BCom करें, क्योंकि वहां से करने का एक बेनिफिट होता है कि आपका सेशन टाइम पे चलेगा, रिजल्ट सही आएगा, जितना लिखिएगा उतना नंबर आएगा, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, सब फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी बिहार में ऐसे हैं जो लेट फॉर्म देते हैं, तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं, रिजल्ट खराब कर देगा पूरा लिखने पर। तो यह सब दिक्कत पटना यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। तो बहुत बड़ी अपडेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़े अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग
ट्वेल्थ बाद बीए बीएससी बीकॉम में क्या लीजिएगा, किस में भविष्य उज्जवल होगा, किसका कितना अच्छा आगे जाके आपका कैरियर में मतलब जितना अच्छा हो सकता है, क्या लेने पे बीएससी बीकॉम या आप बीए करना चाहते हैं या कोई लोग बीटेक करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पूरा डिटेल्स में एक वीडियो आएगा कि आखिर 12वीं के बाद क्या, आखिर 10वीं के बाद क्या। तो चैनल पर ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए जितना हो सके, और पटना यूनिवर्सिटी का जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से डायरेक्ट आप वेबसाइट पर जाइएगा पटना यूनिवर्सिटी के, और वहां पे एक ऑप्शन दिया रहेगा यूजी पीजी एडमिशन 2019-20, वहां पे क्लिक करते ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।